के कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। डीपीओ अख्तर फारूक की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये उस वक्त अपने हक में तालियां बजवा रहा था, यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े लग रहे थे। उसी वक्त बलोच लेवी का एक शहीद एहलकार सजाद बुजदार, जो कि खुद ही लादी गैंग के मुकाबले में उन्होंने शहादत पाई है, उसी की जनाजे का बिल्कुल वही टाइम था। मैं उस्मान बुजदार से सवाल करना चाहता हूँ, आपको अपने ज़िला के लिए लायक अफसर नज़र नहीं आते? आप बार बार क्यों न लायक अफसरों को डेरा गाजी खान भेजते हैं? आप मुझे ये बताएं, आप डेरा गाजी खान के लोगों से कौन सी इंतकाम ले रहे हैं? बाकी जहां तक पुलिस के मजालिम हैं, इनको हम बेनकाब करते रहेंगे। बाकी डीपीओ ने जो जेली मुकाबले करवाए हैं, जिनमें 6-6, 7-7 लोगों की टांगों पर जिस तरह गोलियां लगी हैं, जो लोग जेली मुकाबलों में जांबाक हुए हैं, उनका हिसाब अख्तरू फारूक को देना होगा। बाकी आखिर में मैं तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग तमाम टीम, तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का, पूरे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। बाकी जो लोग हैं वो ये न समझे कि हम जेल से निकल कर आए हैं। अगर हमारे हाथों हथकड़ियाँ लगी हैं, अगर हमें स्लेट पकड़े गए कि हम दहशत गर्द हैं, तो आप लोग इस भूल में ना रहें कि हम लोग इनसे डरेंगे, इनकी डर की वजह से सहाफत छोड़ देंगे, रिपोर्टिंग छोड़ देंगे, मजलूम का साथ छोड़ देंगे, हक का साथ देने से डर जाएंगे। हमारे जो हौसले हैं वो मजबूत हुए हैं। ये जिंदाबाद, मुस्तफा निशानी जिंदाबाद, तलवार शेर जिंदाबाद, इस्लामाबाद। बाकी ये है कि जो जो दोस्त, जिन जिन साहबियों ने जिन जिन शहरों में मुल्तान, डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ, लिया, कोटदू, कोट छुट्टा, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जहां भी जितने भी हमारे साहबी दोस्तों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में मैं इन लोगों के लिए एक शेर कहना चाहता हूं। हमने कहा था कि यूं नफरत है नफाल, लावा उबल पड़ा है अफजल ले भी देख। जिंदा है
शेर धाड़ेगा। शेरों।